अस्सलाम वालेकुम, मैं होम शेफ़ हूँ। मैं अपने घर से होममेड फूड बिज़नेस रन कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे ऑर्डर मिला है आलमंड केक का। तो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स के साथ जो है ना बताऊँगी कि इसकी मुझे कॉस्ट क्या आ रही है, मैं इसको कितने में सेल करूँगी, इसके लिए हमें ज़रूरी इन्ग्रीडियंट्स कौन से हैं जिसके बगैर ये केक नहीं बन सकता वो भी बताऊँगी, और इसका पैकिंग मटीरियल भी आपको दिखाऊँगी। आपको कंप्लीट इसमें डिटेल्स दूँगी क्योंकि बहुत सी बहनें हैं जो काम करना चाहती हैं लेकिन उनको समझ अभी तक नहीं लग रही है कि वो कैसे काम करें, और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो सोच ही रही थी बहुत सालों से लेकिन अभी तक उनको आइडिया नहीं हुआ काम करने का, तो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। और मैं आप सबको यहाँ मोटिवेट करती हूँ कि आप सब मेरी तरह घर रह के आराम से अपना ये होममेड फूड बिज़नेस रन कर सकती हैं, अच्छी अर्निंग कर सकती हैं, और इसमें आप यकीन करें कोई सरदर्द नहीं है जिस तरह दूसरे कामों में होती है कि कंप्लेंट्स आ गई ये वो, क्योंकि सभी खवातीन बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और आप लोगों को आइडिया होता है कि आप किस फील्ड में माहिर हैं। आप चाहें तो किसी एक फील्ड को पकड़ लें, लेकिन मैं बेकिंग के काम में भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे ससुराल में आपको मैं बता चुकी हूँ कि बेकरी का काम जो है ज़्यादातर लोग करते हैं और मेरे अपने हस्बैंड ने भी किया हुआ, तो मुझे कुछ बहुत शौक था तो मैंने उनसे भी कुछ सीखा, फिर मैं बहुत साल से बेकिंग कर रही हूँ तो इसको कर करके मेरा हाथ अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा है। तो यहाँ पर मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ ये मैं बनाऊँगी दो केक एक एक पाउंड के बनाऊँगी, आलमंड केक हैं, बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बहुत सॉफ्ट एंड स्पंजी हमारा केक बनेगा। आप इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो देखिएगा। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम बादाम ले लिए हैं, ठीक है। इनमें से कुछ बादाम जो है वो मैं हाथ से इस तरह से छुरी की मदद से सेंटर से हाफ ऑफ करके रख दूँगी जो हम केक के टॉप पर डेकोरेशन करेंगे, जिससे बाकी बादाम मैंने कूट कर रख लिए हैं, या आप ग्राइंडर में उसको मोटा मोटा ग्राइंड कर लें, ठीक है। यहाँ पर मुझे चाहिए होगा मिल्क पाउडर, शहद और आलमंड एसेंस, बेकिंग पाउडर, और ये मैंने चेरीज़ भी इसमें एक डालूंगी, चेरीज़ टोटली ऑप्शनल है, हैं तो डालें नहीं है तो ना दें। 6 अंडों का बनेगा हमारा और ये तकरीबन 2 पाउंड से ज़्यादा ही मावा बनता है, लेकिन मेरी आदत है मैं थोड़ी सी चीज़ जो है खुली देती हूँ कस्टमर को, बिल्कुल नाप तोल की चीज़ कस्टमर को ना दिया करें, कोशिश करें थोड़ा फालतू ही चला जाए, कस्टमर भी खुश हो जाता है और आपके जो है ना देखिएगा बरकत भी बहुत होगी इंशाल्लाह इन तरीके से, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद करता है नाप तोल में कमी को, तो वैसे ही हमारे इस्लाम में जो है ना नापसंद किया गया है, तो हमें एहतियातन एक्स्ट्रा ही देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 मोल्ड ले लिए हैं और आपको मैं पेपर कटिंग का बहुत आसान मेथड बता रही हूँ, मोल्ड को उल्टा करें, उससे साइज़ लेके फोल्ड पेपर करें और आराम से कट कर लें। हार्ड शेप का जो है बहुत मुश्किल होता है कटिंग, इसका बहुत आसान और सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पेपर को डबल कर लें, डबल फोल्ड करके मोल्ड पे रखें और इसको हाथों से प्रेस करके ये निशान उठा लें, जैसे ही आप निशान उठाएंगे ना तो आपके परफेक्ट आपकी कटिंग हो जाएगी, बहुत आसानी से ये हार्ड शेप कट जाता है, वरना इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है, कट नहीं रहा होता, सही नहीं बैठता और फिर जो है ना इसकी सेटिंग में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ आप इस मेथड से काटिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल देखिए बिल्कुल परफेक्ट पूरा पूरा कटा है। यहाँ पर हम अपने जो पैन्स हैं ना इनको ग्रीस कर लेंगे, जो हमारे मोल्ड्स हैं इनको आप चाहे बटर से ग्रीस कर लें, घी से कर लें या ऑयल से कर लें, सिर्फ हमारा मकसद इन्हें ग्रीस करना है। अगर किसी के पास बटर पेपर नहीं है तो आप घर में बच्चों के जो ब्राउन पेपर होते हैं ना जो हम कॉपीज़ पे कवर लगाते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्राउन पेपर नहीं है तो आप प्लेन कॉपी के पेपर्स यूज़ कर लें, वो भी नहीं है तो आप मोल्ड को इस तरह से ग्रीस कीजिए, इसके बाद इसके ऊपर आपने मैदा लगाना है और मैदे को सारे में डस्ट कर लेना है और बाकी जो फालतू का मैदा होगा उसको आपने गिरा देना है। लेकिन अगर आप बटर पेपर या कोई सा भी पेपर लगाते हैं इससे आपका केक बहुत आसानी से बाहर आ जाता है, डिमोल्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कितने परफेक्ट जो है हमारे पेपर इनके अंदर आ गए हैं और हमने लगा लिए हैं, हमारा टाइम भी बच गया है, कटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई, हमें बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा है। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है 300 ग्राम शॉर्टनिंग ले ली है मैंने, आप चाहें तो 300 ग्राम मक्खन भी ले सकते हैं। मक्खन में क्या रेट पड़ेगा, शॉर्टनिंग में क्या रेट पड़ेगा, ऑयल में क्या रेट पड़ेगा, कंप्लीट डिटेल्स आपको दूंगी और आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 300 ग्राम चीनी ले ली है, 300 ग्राम मक्खन में हमने 300 ग्राम चीनी ली है और इसको हम 5 से 7 मिनट बहुत अच्छे से बीट करेंगे। मक्खन आजकल जो है मक्खन का रेट 1600 भी है, 1700 भी है, 1800 भी है, कुछ ब्रांड्स पे और कुछ एरियाज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपको 1600 रुपये किलो भी मक्खन मिल रहा है, 100 ग्राम मक्खन आपका बनता है 160 रुपये का। यहाँ हम 3 ग्राम मक्खन लेंगे 300 ग्राम तो हमारा बनेगा 480 रुपये का,
चीनी हम जो है इसमें यूज़ कर रहे हैं, चीनी हमारी इसमें गई है 150 ग्राम, जो तकरीबन बनती है 60 रुपये की। ठीक है, इसका टोटल ख़र्चा मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, अभी आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ डल रही है और कितने कितने की पड़ रही है। इसमें हमने 6 अंडे डालने हैं, 5 से 7 मिनट हम इसको अच्छे से बीट करेंगे, फिर वन बाय वन हम एक एक करके अंडा इसमें डालेंगे और हर अंडे को 1 से 2 मिनट अच्छे से बीट करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा अंडा डालेंगे। इसी प्रोसेस से हमने 6 के 6 अंडे इसमें शामिल कर देने हैं। अंडा जो है 25+ है, तो मेरे ख्याल से हमें 6 अंडे 150 के हम लगा लेते हैं, 150 के हमारे जो है वो 6 अंडे आ जाएंगे जो हमारे इसमें जाने हैं। उसके बाद हम बात करें ड्राई फ्रूट की, तो उसमें जो हमने सबसे पहले बादाम लिए हैं, बादाम अमेरिकन गिरी जो है ना इस टाइम 2600 रुपये किलो भी है, 2800 रुपये भी है, शायद कहीं 2400 भी हो, लेकिन हम दरमियानी जो है रेट ले लेते हैं, 2600 रुपये किलो ले लेते हैं। 100 ग्राम जो है वो बनेगा 260 रुपये का हमारा बादाम। उसके बाद जी हमारा इसमें मैंने डाला है अखरोट भी, अखरोट टोटली जो है ना ऑप्शनल है, अगर आपका कस्टमर आपको अच्छा पे करता है, अच्छा कस्टमर है, तो आप उसको अखरोट डाल कर दें। मैं इसमें डालूंगी अखरोट जो मैंने स्टार्ट में छुरी की मदद से उसको बारीक बारीक क्रश कर लिया था, और उसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पर वो ब्लैक कलर की होती है ना जो सोगी टाइप, क्या कहते हैं उसको, एक्चुअली मुझे उसका नाम नहीं आता, तो बहरहाल उसका नाम थोड़ा मुश्किल है, किसी बहन को पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। वो टी केक्स में होती है और किशमिश टाइप होती है, लेकिन ब्लैक कलर की राउंड गोल गोल होती है, बहरहाल 1 चम्मच में वो डाल रही हूँ, तो वो भी ऑप्शनल है, अभी मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, स्टार्टिंग में मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं डालती थी, मैं सिर्फ बादाम का ही केक बना कर देती थी और कस्टमर को बहुत पसंद आता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने आपके सामने जिस तरह अंडे डाल रही हूँ, आप नज़र रखें इस काम पर भी कि आपने इसी तरह एक एक करके अंडा डालना है और इसी तरह इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से बीट करना है, फ्लफ़ी बनाना है, और जो भी आप चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे हो, आपका मक्खन हो, आपका मैदा हो, आपके अंडे हो, कोई भी चीज़ इसमें ठंडी नहीं जानी चाहिए, ठंडी चीज़ होगी तो केक आपका फूलेगा नहीं, फिर आप कहिएगा ना कि मैंने फॉलो किया था आपकी रेसिपी को लेकिन केक वैसा नहीं बना। यहाँ पर हमारा उसके अलावा जो है बेकिंग पाउडर जाएगा, ठीक है, शहद जाएगा, और हमने जो है इसके ऊपर शहद और बेकिंग पाउडर और एसेंस जाएगा आलमंड, ठीक है, तो इन सब का भी खुला डुला एस्टीमेट हम लगाएं तो वो 100 रुपये का हमारा खर्चा आता है। तो कुल मिला के अगर हम मक्खन के साथ ये केक बनाएंगे, 2 केक बनाएंगे, 100 रुपये का हम दोनों का पैकिंग मटेरियल रख लेंगे, ठीक है, जो हमने इसके नीचे बेस लगानी है और जिसको हमने इसमें बॉक्स में पैक करना है, 50 एक केक का 50 एक केक का 100 हम उसका ऐड कर लेंगे, तो तकरीबन ये हमारा 1350 रुपये का खर्चा आएगा और 2 केक हमारे बन जाएंगे। अच्छा जी, मार्केट प्राइस का अगर हम आइडिया करें तो मार्केट में 1 पाउंड का केक रेगुलर जो है 800 का मिल जाता है, तो अब क्या हम इतनी मेहनत करेंगे, 1350 के हम 2 केक बनाएंगे और उसमें हम अगर उसको हम 1600 में सेल करेंगे तो हमें क्या बचत आ रही है, 250 रुपये, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि बेकरी वाले क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर वगैरह सब बेकरी का काम करते रहे हैं, तो हमें तो पता है कि बेकरी में क्या चीज़ किस तरह यूज़ होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे शॉर्टनिंग का यूज़ किया है। शॉर्टनिंग जो है वो हमें पड़ेगी, शॉर्टनिंग जो है वो हमें पड़ेगी तकरीबन 240 रुपये 60 रुपये की लगा लें आप, ठीक है, 250 उसका हमने एस्टीमेट ले लिया। अगर हम शॉर्टनिंग से बनाएंगे या ऑयल से बनाएंगे, ऑयल का भी मेथड दूंगी, ऑयल से भी बहुत शानदार केक बनता है, पहले तो मैं शुरू में ऑयल से ही बना कर दे रही थी, तो अगर हम उससे बनाएंगे तब हमें पड़ेगा 1140 का, तब तो समझ में आता है कि भाई चलो 1140 में हमें ये पड़ेंगे और दोनों को एक 1600 में निकल जाएंगे, लेकिन हम फिर भी 800 की जगह कोशिश करेंगे कि इसे 900 रुपये में सेल करें। ठीक है, घर में जो है एफर्ट भी जाहिर है हम लोग कर रहे हैं और हम लोग अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बेकरी वाले गंदे अंडे जैसे मर्जी ट्रेज उठाई होती हैं, टूटे छूटे सब डाल देते हैं, और उन्होंने मैदे की भी बोरियाँ उठाई होती हैं, चीनी की भी उठाई होती हैं, तो उनको वो कॉस्ट कम पड़ रही होती है, और हम कोशिश करेंगे हमारा 900 रुपये का 1 पाउंड केक जाए, शॉर्टनिंग वाला या ऑयल वाला। अगर हम बना रहे हैं मक्खन वाला, ठीक है, जो प्योर सही मक्खन होता है, तो उसको हम कोशिश करेंगे 1100 रुपये का कम से कम हमारा वो केक सेल हो, नहीं तो 1000 का तो मिनिमम हो ना, लेकिन 1100 में हो तो ज़्यादा अच्छा है, 1200 में भी आप कर सकते हैं, देखिए ये आपके कस्टमर पर डिपेंड करता है।
यहाँ पर हमने जो है 6 के 6 अंडे अपने इसमें डाल लिए हैं। इस स्टेज पे हमने इसमें वनीला आलमंड एसेंस जो है ना 1.5 टीस्पून ऐड किया है। अगर किसी के पास वनीला एसेंस नहीं होगा, आलमंड एसेंस नहीं होगा, तो वो उसकी जगह पे वनीला एसेंस ऐड कर लेगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने आलमंड एसेंस डाला है, अगर किसी के पास नहीं है तो वनीला एसेंस इसमें यहाँ पर इस स्टेज पे आप इसमें ऐड कर दें मैदा डालने से पहले, ठीक है। तो उसके अलावा ये है कि ऑर्डर्स मुझे कैसे मिलते हैं। ऑर्डर्स मैंने स्टेटस लगाती थी व्हाट्सएप पे, मेरे पास काफ़ी लोग ऐड हैं और बेकिंग का मुझे शौक़ था, मैंने अपने हस्बैंड से भी सीखी, तो मैं शौक में बनाती थी। तो जब हम बेकिंग करते हैं तो हमें बहुत शौक होता है कि हम जो है प्रेजेंट करें, लोगों को भी दिखाएं कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो मैं स्टेटस पे अपने बेकिंग का काम लगाती रहती थी और लोगों ने बहुत उसे पहले ही पसंद करते थे। फिर जब मैंने होममेड फूड बिज़नेस रन किया और मैंने ये स्टेटस पे लगाया कि मैं ये बिज़नेस रन कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ से लोगों ने ऑर्डर दिए। यहाँ पर इस स्टेज पे मैंने कुटे हुए बादाम जो थे वो सारे इसमें ऐड कर दिए इस मावे में और बीटर को थोड़ा सा चला लिया। 1 चम्मच वो ब्लैक वाली किशमिश, क्या नाम है एलिमे, वो मैंने इसमें डाल दी। 1 चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं डाली, आप अपनी चॉइस से 2-3 चम्मच डाल सकते हैं। मैदा मैंने लिया है 300 ग्राम, मैदे को मैंने छान लिया है। यहाँ पर मैंने इसमें 2 टीस्पून डाल दिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी आप लोग ज़्यादा ना बढ़ाया करें, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी करने से भी आपका केक बैठ जाता है। हम लोग समझते हैं बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालेंगे तो शायद जो है केक ज़्यादा फूलेगा, बिल्कुल भी नहीं। 4 चम्मच यहाँ मैं ड्राई मिल्क पाउडर के डाल रही हूँ, तो आपने 4 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर है तो ऑप्शनली है डाल दें, नहीं है तो ना डालें। उसके बाद मैंने सारे इन ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स किया और यहाँ पर जो है ना मैं एग बीटर को साइड पर कर दूँगी और स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा मैं डालूँगी अपना ये मटेरियल उसमें जो मैंने मिक्स किया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स का, और इस तरह मैं कट एंड फोल्ड की शेप में इसको करूँगी। तेज़ से गोल गोल नहीं घुमाना है आपको, क्योंकि आपको शायद वीडियो में तेज़ लग रहा होगा, वीडियो तेज़ है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने करना है। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर गड़बड़ हुई तो भी केक नहीं फूलेगा। अगर आप इसके अंदर जो सारा एयर है ना उसको ख़त्म कर देंगे तो आपका केक नहीं फूलेगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया है जर्दा रंग 2 से 3 चुटकी कलर के लिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो ये आप डाल लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है और आप घर के लिए बना रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा जो मैदा बचा है इसको मैंने तकरीबन 3 दफ़ा में करके डाला है थोड़ा थोड़ा। इसका रीज़न ये होता है कि हमारे केक के अंदर किसी भी तरह की कोई गुठलियाँ ना बने मैदे की, क्योंकि अगर मैदे की गुठलियाँ बन गई तो आपका केक सारा ख़राब हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका जो मैदा डल रहा है वो सारा लिक्विड बनता जाए। तो बहुत शानदार ये इस टाइम जो है ना हमारा बैटर बना था, इसकी खुशबू इतनी शानदार इसी टाइम आपको आना शुरू हो जाएगी, इसका बहुत ज़बरदस्त अरोमा आपको आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर हमने अखरोट भी शामिल कर दिए हैं, बादाम भी शामिल कर दिए हैं कुटे हुए, कटे हुए हम ऊपर से लगाएंगे, और कुछ मैंने कुटे हुए बादाम बचा भी लिए थे जो हम टॉप पर इसके लगाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिया है। आप इसी मेथड से केक बनाइएगा, इंशाल्लाह आपका जो रिज़ल्ट है बेकरी वाला ही आएगा। और अगर आप शॉर्टनिंग बना रहे हैं तो उसके अंदर जब आपने ये हम केक बनाएंगे ना तो एक बटर एसेंस मिलता है, उसके अंदर आपने 3 से 4 ड्रॉप्स बटर एसेंस के डाल देने हैं। ये बिल्कुल बटर का ही फ्लेवर आपको देगा। और अगर कोई देसी घी चाह रहा है कि उसका फ्लेवर आए तो आपने देसी घी का भी एसेंस मिलता है वो डाल दें, ठीक है। ये अखरोट और वो ब्लैक चेरीज जो थी वो हमने इसमें ऐड कर दी। चेरीज का नाम नहीं है, कोई मुझे टोकिएगा नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो एनीवेज यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और बॉल वगैरह अपना सारा साफ़ कर लिया। जो 2 मोल्ड हमने रेडी किए थे दोनों में इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दूंगी। ये तकरीबन बनेगा मेरा 2 पाउंड से ज़्यादा ही है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं थोड़ी खुली चीज़ ही कस्टमर को देती हूँ। खुले हाथ से चीज़ दें, अल्लाह ताला आपको बरकत देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, कहने का मकसद ये है मैं सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ना, उसके बावजूद इन्हीं रेसिपीज़ के मुझे ऑर्डर्स आते हैं। हालांकि केक की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, देखें केक का ऑर्डर फिर भी कस्टमर ने मुझे दिया है। क्यों? क्योंकि राजी कल्ला है, अल्लाह ने जो मेरे हिस्से में रिस्क लिख दिया उसे कोई नहीं ले जा सकता। मुझे लोग कहते हैं आप एक एक बात बता देती हैं, लोग तो छुपाते हैं, तो फिर आप भी तो बिज़नेस कर रही हैं। मेरा ईमान अल्लाह पर है, अल्लाह मेरे रिस्क में कमी नहीं लाएगा। अगर मैं किसी के लिए आसानी कर रही हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे लिए जो है आसानी के दरवाजे ना खुलें। मैं एक ज़रिया बनी हूँ आप लोगों के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, और मेरा अल्लाह तो इतना मेहरबान है कि वो मेरे लिए 10 दरवाज़े खोल रहा है। आप यकीन करें, मैंने यहाँ पर कितनी रेसिपीज़ अपलोड की हैं, मेरा स्टीम रोस्ट इतना लोगों ने पसंद किया, इतना अल्हम्दुलिल्लाह पसंद किया, उसके मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं।
ये नहीं किया है लोगों ने कि लोग घर बना रहे हैं, लोगों ने मुझे कहा है कि आप हमें बना कर दें, हमने आपकी वो वीडियो देखी है। शामी कबाब लोगों ने मुझे कहा है कि हमने आपकी वीडियो देखी है, आप बहुत अच्छे बना रही हैं, आप हमें बना कर दें। तो हमें बस अल्लाह पर जो है अपना ईमान जो है वो रखना चाहिए कि अल्लाह हमारा रिस्क किसी और को कभी भी नहीं देगा। और अगर हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह हमारे लिए आसानियों के दरवाजे ना खोले। यहाँ जो हमारे बादाम कुटे हुए बचे थे वो हमने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए। आपकी चॉइस है, डेकोरेशन आप जिस तरह करना चाहें करें, आप चाहें तो सारे बीच में मिक्स कर दें। चेरी ऑप्शनल है, मेरे पास दूसरे केक्स के ऑर्डर्स भी आ जाते हैं तो उसके लिए मैंने मंगवा के रखी है, इसलिए मैंने टॉप पे सेंटर में लगा दिया है। आपके पास नहीं है तो ना लगाएं, स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल नहीं लगाती थी। जो हमने बादाम काटे थे उसका जो हमारा ब्राउन वाला हिस्सा है वो हम नीचे करेंगे, व्हाइट वाला पार्ट ऊपर की साइड पर रख के बादाम से हम डेकोरेशन कर लेंगे दोनों मॉल्स में। इनकी डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहें तो फुल इसको बादामों से भर दें, ठीक है, जितना भी आप इसको करना चाहें डेकोरेशन जिस हिसाब से भी वो आप अपनी मर्जी से कर लें। तो मुझे फिर जब मैंने स्टेटस लगाना शुरू किया तो लोगों के ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। एक लेडी ने कहा कि जी मुझे जो शुगर है, मेरी कस्टमर हैं बहुत अच्छी हैं, मेरी बहन है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो हूँ ना शुगर है मुझे, तो आप मुझे शुगर फ्री केक बना दें। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं आपको बना के दूंगी। उन्होंने टेस्ट किया, उन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने जब अपना फीडबैक दिया मैंने उसको स्टेटस पे लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अगेन मुझसे ऑर्डर किया, उन्होंने फिर मुझसे केक बनवाया। इसी तरह जब उनके रिव्यूज़ लोगों ने देखे और लोगों ने ऑर्डर किया, फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म मेरे पास यूट्यूब का आ गया, एक प्लेटफॉर्म मेरे पास इंस्टा का आ गया, एक मेरे पास फेसबुक का आ गया। तो यहाँ पर आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं रेसिपीज़ बता रही हूँ लेकिन आप लोग मुझे ऑर्डर देते हैं कि आप हमें बना कर दें, तो मुझे और क्या चाहिए अल्लाह से। तो इसी तरह से मेरे ऑर्डर्स में इजाफा हो गया। आप लोग पूछते हैं ना ऑर्डर्स कैसे लेते हैं, आपने पहला कदम कैसा उठाया था, पहला कदम मैंने ऐसे उठाया था, मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया था। यहाँ पर जो है मैंने इसको रेडी कर लिया है बेकिंग के लिए, अपने दो पतीलियाँ रख दी हैं। बेक जब आपने करना है आपने ख्याल करना है कि आपने बहुत बड़े जो है वो बर्तन नहीं लेने हैं, कि आपका जो है बेकिंग का सांचा तो छोटा है और आप बड़ा सब तीला ले लें और उसमें आप बेक कर लें, नहीं, वो भी बेकिंग का गलत तरीका होता है, उससे कलर ऊपर अच्छा नहीं आता, बेकिंग में ज़्यादा टाइम भी जाता है, तेज़ चूल्हा कर देंगे तो नीचे से जल जाएगा। तो इस तरह से आप देखा करें जो आपका मोल्ड है उससे थोड़े थोड़े बड़े साइज़ में लें। ये प्री हीट करने हमने रख दिया है, इसके बाद हम इसको बिल्कुल दम वाली आँच कर देंगे, तेज़ आँच पर ना बनाएं, भले ही आपको 10 मिनट लेट लग जाएँ, 40 to 45 मिनट में आपका केक हो जाए। अगर नहीं भी हुआ तो परेशान ना हो जाइएगा, जितने स्लो फ्लेम पे होगा उतना ही सॉफ्ट एंड स्पंजी बनेगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक जो है रेडी हो गया, बहुत खूबसूरत कलर आया था, बहुत प्यारा लग रहा था। मेरा मोबाइल इस काबिल नहीं है, मुझे सेटिंग नहीं आती है मोबाइल की, और ना ही मेरे जैसे लोग प्रोफेशनल वीडियो बनाते हैं ना फिल्टर्स लगा लेते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं वो फ़िल्टर विल्टर कुछ नहीं लगाती, खुद ही एडिटिंग करती हूँ, तो हो सकता है कि वो लुक उस तरह से ना आ रहा हो। बहुत शानदार इसका लुक आया था और ये बहुत सॉफ्ट एंड स्पंजी बना था। यहाँ पर मैंने इसके लिए ये देखेंगे ले लिया है इसका गत्ता, अब जो भी कहते हैं, एनीवेज़ हम सिंपल ज़बान में ही कहेंगे इसको, तो उस पर मैंने इसको रख दिया है। ये देखिएगा कितना सॉफ्ट बना है, बहुत स्पंजी है ये, और कस्टमर को बहुत पसंद आया था, उन्होंने मुझे पिक्चर भी भेजी थी, वो भी मैं साथ अटैच कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये हमने इसके अंदर, अब मैं आपको बॉक्स भी दिखा दूंगी कि किस बॉक्स में डाला था। यहाँ पर मैंने ले लिया है आखिर में शहद, शहद हमने ऊपर से जो है ब्रश की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है कि हमारी डेकोरेशन जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है, सॉफ्ट हैंड से लगाएं। शहद नहीं है घर के लिए आप बना रहे हैं, ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ लगाइएगा वरना वो फिर टेस्ट नहीं देगा। आपके पास अगर जैम अवेलेबल है, जैम को थोड़ा पतला करें, पानी डाल के पकाएं और उसको भी ऐसे शहद वाली फॉर्म में ले आएं, और आप इस टाइम पे ऊपर से जैम भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कस्टमर को भी देना तो जैम भी लगा के दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो भी चल जाता है, अच्छा लगता है। बेकरी में भी समटाइम जैम लगा दिया जाता है, और मेरे हस्बैंड ने बताया था कि उसको थोड़ा सा छुरी की मदद से पहले दबाकर स्प्रे किया जाता है प्लेन, और फिर उसमें पानी डाल के उसे पकाया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए जी, ये बॉक्स आ गया है हमारा। बॉक्सेस बहुत तरह के आपको मिल जाते हैं, इससे अच्छे भी मिल जाएंगे, ऊपर से ये दो थोड़ा सा इसमें से नज़र आ रहा है, कवर भी पूरे मिल जाते हैं, ये आपकी चॉइस है आप किस तरह का बॉक्स लेना चाहें। यहाँ एक टेप लगाएं और इसको शॉपिंग बैग में डालें, अपने कस्टमर को दे दें। उम्मीद है आज मैंने आपको इसमें जो है सारी डिटेल्स बता दी। हाँ, टोटल ख़र्चा भी आपको मैं बता चुकी हूँ और सेल कितने का करना है ये भी आपको बता चुकी हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और यहाँ पर मैं आपसे पिक्चर शेयर कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।